हाय गाइस, वेलकम बैक टू राइडर बॉय सल्लू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइस, मसूरी जिसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, अगर आप भी मसूरी जाने का सोच रहे हैं और वहाँ का टूर प्लान करने की सोच रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए और पूरी वीडियो देखिएगा। तो गाइस आइए जान लेते हैं कि भाई यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ के होटल का क्या खर्चा होगा और यहाँ पे क्या क्या आप घूम सकते हैं। तो वो सारी चीज़ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले गाइस, आपको दिल्ली से मसूरी जाने के लिए आप बाय बस और अपनी कार से भी जा सकते हैं। ट्रेन मसूरी तक नहीं जा सकती है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से देहरादून के लिए जाना होगा। दिल्ली से देहरादून आप ट्रेन से, फिर वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी तो या बसें से जा सकते हैं। और रही बात बस की, तो बस तो आप दिल्ली से 24 घंटे मसूरी के लिए बसें चलती रहती हैं, क्योंकि दिल्ली से 300 किलोमीटर पड़ता है, तो बसों की कोई दिक्कत नहीं है, आप इजली बस से जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भी अगर मैं आपको प्रेफर करूँगा तो आप बस से ही मसूरी जाइएगा, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ज़्यादा फेयर नहीं है मसूरी का, वही 450 रुपये की टिकट पड़ती है मसूरी के लिए बस की। और आपका ये जो ट्रैवल का टाइम होता है, 8-10 घंटे में बस आपको इजली मसूरी पहुंचा देती है। अब बात कर लेते हैं मसूरी के वेदर की गाइस। तो मसूरी का वेदर जो है बहुत ठंडा मौसम रहता है, यहाँ पे 12 महीने स्नो बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि गर्मियों के मौसम में जो टेम्परेचर रहता है वो 13 डिग्री 14 डिग्री 15 डिग्री इतना तक रहता है, तो मतलब 13-14 डिग्री बहुत होता है। हमारे एसी का टेम्परेचर भी 16 डिग्री होता है, और ठंडियों में भी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, आपको स्नो बहुत कम देखने को मिलती है यहाँ पे। अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही तो कभी कभार आपको देखने को मिल जाए मसूरी में। मसूरी की जो सबसे फेमस जो डेस्टिनेशन है, जो वहाँ का प्लेस है, जो कि बहुत ही लोगों का मन लुभाता है, वो है कैंटी फॉल। गाइस, कैंटी फॉल क्या है कि एक झरना है, जिस झरने के नीचे बहुत सारे लोग जाते हैं और वहाँ पर नहाते हैं, और वहाँ पे आपको अलग अलग तरह की एडवेंचरिंग करने के लिए भी मिल जाती है। दूसरा आपका पड़ता है लाल टिब्बा पड़ता है। लाल टिब्बा एक पर्वत है, वहाँ पे एक पहाड़ है वहाँ पर, जो कि आपको लाल कलर का दिखाई देता है, वहाँ से आपको लाल ही लाल 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 दिखाई देता है, इसलिए उसे लाल टिब्बा कहते हैं। तो आप कैंटी फॉल हो गया, लाल टिब्बा हो गया, ये दो जगह आप सेम डे आप कवर कर सकते हैं। सेकेंड डे में जो आप जाएंगे वो जाएंगे माल रोड पर। वहाँ का माल रोड जो है वो आप घूम सकते हैं। आपको होटल्स भी माल रोड पर ही लेना है, क्योंकि माल रोड से जो पूरी मसूरी की कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी है। तो वहाँ से आपका चाहे कैंटी फॉल हो गया, लाल टिब्बा हो गया, यहाँ पर आप इजली पहुँच सकते हैं। तो माल रोड आप घूमिएगा, और माल रोड के साथ में जो आप जा सकते हैं, गुन हिल पॉइंट्स। गाइस, गुन हिल पॉइंट जो है बहुत ही अच्छा पॉइंट है वहाँ पे, जहाँ से कि ये देखिए 360 डिग्री आप देखेंगे तो आपको लगभग पूरा मसूरी दिख जाता है वहाँ से, और बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ पर। तो ये दो प्लेस आप सेकेंड डे में घूम सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे पैलेस हो गए वहाँ पे जहाँ पे आप इजीली विजिट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए धोबी घाट हो गया, रामगांव हो गया, वहाँ का माल रोड हो गया, एक वहाँ पे झारपानी फॉल्स है जहाँ पे झरना, ये भी झारपानी फॉल्स, वहाँ पे भी जाके आप इंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी जाइएगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है वहाँ पे एक्टिविटी करने की। अब गाइस बात कर लेते हैं कि आपको होटल्स कहाँ पे लेने हैं। होटल्स आपको जो लेने हैं वो आपको माल रोड पर लेना है, क्योंकि माल रोड से आपको बताया था जैसे मैंने भी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है मसूरी की, तो वहाँ पे जाके आप होटल्स लीजिएगा उसके। और गाइस रही फेयर की बात, अब देखिए आपको कितना पैसा लगने वाला ट्रैवल में। दिल्ली से अगर आप, मैं पर पर्सन की एवरेज बताता हूँ, तो दिल्ली से आप अगर मसूरी जाते हैं तो आपको वही 400-450 रुपये बस का लगेगा। उसके बाद वहाँ से आप जो इजीली वहाँ पे लोकल घूमना चाहते हैं, वहाँ का मान लीजिए 1000 रुपये वहाँ का मान लीजिएगा, तो ये आपको हो गए 1500 रुपये मोटा मोटा मान लीजिएगा, तो ये आपको वहाँ लगेगा। होटल्स का क्या है, अगर आप 2 दिन रुकते हैं तो 500 से लेकर आपको 2000 तक में होटल मिल जाते हैं। वो आपकी अपनी कन्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रेंज का होटल लेना चाहते हैं। अगर आप, मैं सबसे मिनिमम की बात करूँ तो 500 रुपये में भी आपको होटल मिल जाता है। तो अगर 2 दिन के लिए आप होटल लेते हैं तो 1000 रुपये आपका ही हो गया, तो 1000 रुपये अपना ये जोड़ लीजिएगा। उसके बाद रही फूड्स की बात, मसूरी का फूड्स है नॉर्मल है, ठीक है, अच्छा फूड्स है। आप वहाँ पे अगर फूड्स का जोड़ेंगे तो फूड्स का आप ले लीजिएगा 2 दिन का 1500 रुपये, 600 से 700 रुपये पर हेड का
आप ही लीजिएगा, दो दिन रुकेंगे तो 1500 रुपये आप फोर्स का ले लीजिएगा। तो गाइस यही थी मसूरी के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने कहा क्यों ना अगर आप जाना चाहते हैं प्लान करना चाहते हैं तो आपके साथ शेयर किया जाए इस चीज़ को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस आपके एक एक लाइक एक एक सब्सक्राइब एक एक व्यू से बहुत ज़्यादा हम लोगों को यार मोटिव मिलता है और हमें लगता है कि भाई हमारी इतनी YouTube की फैमिली जुड़ चुकी है। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा भी कुछ भला हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगली एक वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।